इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी गुरुदेव भगवान प्रेस वार्ता में थे तो गुरु जी ने कहा कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना है। तो किसी पत्रकार भाई ने कहा कि गुरु जी गोस्वामी तुलसीदास जी वाला, अरे भैया इसके अलावा सभी रामायण हैं। श्री राम जी के चरित्र का दिव्य मानस सरोवर एक श्री रामचरित मानस ही है, जिसका नाम गोस्वामी पाद ने नहीं भूत भावन भगवान शिव ने रच महेश निज मानस। आहा, कौन बताएगा? आदि ग्रंथ पुराण इतिहास में अद्भुत, केहू गावे हो समझ में आवे हो ऐसा अलौकिक ग्रंथ, अद्भुत। आप कहेंगे सुनाई दे रहे हैं कुछ चौपाई तो गाई दे रहे हैं और प्रथम दिन है इसलिए मैं गा ही देता हूं, बाबा ने यही से लिखा मानस बाल कांड दोहा क्रमांक 30 की प्रथम पंक्ति। जाग बलिक जो कथा सोहा, जाग बलिक जो कथा सोहा, बाज Yeah।
शंभुकीन यह चरित्र स्वभावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी ही दीन्हा, क्यों राम भगत अधिकारी चीन्हा। तहिसन जाग्य बल के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति। अरे भगवान शिव ने यह चरित्र रचा, किसको सुनाया? माँ को सुनाया। देखिए कथा उसको ही सुनानी चाहिए जो मन लगाकर सुने। यह न कही सठ ही हठ सील ही, जो मन लाइन सुन हरि लील। जो कथा सुने और जमवाई ले। कर तक चलेगी ये कौन सी कथा है? अभी मैं शिकोहाबाद कथा सुनाने गया था, वहां कथा का समय था 12 बजे से 4 बजे। तो हमने कहा भाई प्रेम भूषण तो 12 बजे भोजन करके 2 बजे तक सोते हैं, 1 घंटा में संध्या वंदन करके हम 3 बजे तक कैसे पहुंच सके थे? अभी 12 बजे से 2 बजे तक को कथा बांची। तो कुलदीप बाबू थे तो मैंने कहा 2 घंटा समिति से कथा करवाइए। वही भैया धीरे धीरे हमने कहा भाई देखिए 12 बजे तो लोग कहते हैं भाई 12 बज गया पंगत के हरिहर। ये जो 12 बजे कथा सुनना चाहते हैं इसका मतलब वो कथा कराना तो चाहते हैं, लोगों को सुनाना तो चाहते हैं, स्वयं सुनना नहीं। अरे 12 बजे सुत्ते के समय है, अगी आराम का समय है, ऑफिसेज में भी 12 बजे विश्राम हो जाए, 12 बजे घंटी बजती है, 12 टिफिन खोलिए, अपने घर से नहीं लाए तो पड़ोसी से खाइए, 12 बजे विद्यालय की भी छुट्टी हो जाती है। हम 12 बजे इन लोगों को कभी नहीं बुलाते हैं, ऐ का महाराज जो सुते में विघ्न बहुत करते हैं, हम नहीं बुलाते हैं। कथा का समय क्या? अरे साहब कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पूरा। 4 बजे से 7 बजे का समय कथा का हो। अब हमारी मजबूरी है कि लाइव का समय ही 3 बजे से है, इसलिए हमको 3 बजे से नहीं तो मैं ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 4 बजे से 7 बजे 8 बजे सुनते रहिए। माताएं भी अपना सब्जी वब्जी बना के आती हैं, जाके रोटी पका देती हैं, लोग खा लेते, काम फुर्सत का, भंडारी लोग भी ऐसे ही करते हाँ। तो संध्या वेला में थकता नहीं जीव, प्रातः काल पूजन का, सायंकाल सत्संगति का, ये व्यवहार है। सब जगह ही चलता है, संध्या वेला में सबका चित्त भी एकदम सरल भाव में रहता है। सुनते जाइए कथा, आप देखिएगा 3 से 4 जैसे हुआ और 4 के बाद जोर एकदम कथा का। किसने कहा? अरे माँ ने पूछा, बाबा ने कहा। कथा घर में कहीं कथा? जिसके घर में कथा नहीं उसके बाहर भी कथा नहीं होगी। हो
कथा का प्रारंभ ही घर से। मां ने पूछा नहीं, कितना सुंदर पूछा। अरे कितना प्रश्न मां का है। मैं भी आपको पहला दिन इसलिए बोल रहा हूं, सावधान, मैं हर घंटे के बाद पूछूंगा कि आपके कथा समझ में आई अथवा नहीं आई। तो कल से चित्त में बिठा लीजिएगा, कल से हम 4 बजे पूछेंगे, 5 बजे पूछेंगे, फिर 6 बजे पूछेंगे। अरे भाई एक दिन में 2 बात भी नहीं समझ में आई तो कथा गाने का अर्थ क्या भैया? आप सुन रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है मोबाइल एक तरफ करके शरीर को मोबाइल न करिए, मोबाइल एक तरफ करिए, चित्त को एकाग्र। भगवान मेरे कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, थोरे महु सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित्त लाई। एकाग्र होके सुनिए। काग भुसुंडी जी ने सुनी किससे? भोले बाबा से। उनसे याज्ञवल्क जी महाराज ने पाई, और याज्ञवल्क जी महाराज से भरद्वाज जी ने पाई। बाबा अपने को संभालते कहते, ते शोता बकता समशीला संभावी सवदर्शी जान ही हरि लीला। तीनों काल का जिनको बोध था। देखिए जिसका चित्त जितना निर्मल होगा, जिसका मन जितना शांत होगा, उसको उतना ही स्मरण बना रहेगा। जिसके चित्त में जितने विकार बढ़ेंगे उतना उसका विस्मरण भाव बढ़ता चला जाएगा। हां तो मैं क्या कह रहा था, ये होगा। माथा को शांत रखिए, एकदम शांत रखिए। एक दिन हमारे मित्र आपके यहां के रजनेन्द्र भाई का फोन आया, मैं प्रसाद ले रहा था। महाराज श्री प्रणाम। हमने कहा रजनेन्द्र भाई आप उन्नाव, रजनेन्द्र दीक्षित हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। लगभग 17 साल बाद उनका फोन आया, 17 साल हो गया। तो मैंने कहा भैया आप कैसे? रोने लगे बेचारे। अरे विस्मरण कैसे होगा हो? यहां भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ढूंढना कहां है? मन की निर्मलता जिसके है वो भगवान को पाया ही समझे। कहां ढूंढा? भगवान कब मिलेंगे? अरे भगवान कब नहीं मिले। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।